अरे यार बमन तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे थ्री एडेड का जो तू चौथा एडेड तू क्या कर रहा है यहाँ पर? You know life is a race. सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बार्बी फेली के लिए विधु ने चोपड़ा और जेम्स कुवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखिए पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु ने चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट।
इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फेली के लिए विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वीं फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु ने चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। 2 दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फेली के लिए विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को।
वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दग दग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन, कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX, रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग, 12वीं फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, 3 ऑफर्स के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खम्फाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है।
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भरद्वाज श्रेयस पुराणिक जानी भूपिंदर बब्बल आशिम कैमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय OMG 2 और जोराम देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी पटकथा कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में वीके कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फेली के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जंस कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस एनएल अरासू यानिक बैन कैग ब्रैके कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वही वरुण धवन जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स
मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भरद्वाज श्रेयस पुराणिक जानी भूपिंदर बब्बल आशिम कैमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय OMG 2 और जोराम देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी पटकथा कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फेली के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जेंस कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के व्हाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस एनएल अरासू यानिक बैन कैग ब्रैके कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखिए पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भरद्वाज श्रेयस पुराणिक जानी भूपिंदर बब्बल आशिम कैमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय OMG 2 और जोराम देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा।
देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फेली के लिए विधु ने चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु ने चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए।
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए, बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए, बेस्ट एडिटिंग बार्बी फेली के लिए विधुन चोपड़ा और जन्स कुवर सिंह कोहली, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी थ्री ऑफ अस के लिए अविनाश अरुण धावरे, बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के व्हाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य, बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खम्फाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वीं फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दग दग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बार्बी फेली के लिए विधुन ने चोपड़ा और जन्स कुवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी थ्री ऑफ अस के लिए अविनाश अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के व्हाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खम्फाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई।
फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वीं फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वहीं आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दग दग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन, कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX, रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग, 12वीं फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जंस कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वहीं आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला।
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला, तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन, कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX, रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग, बारहवीं फेली के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखिए पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला, तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया।
बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी, 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फेली के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी, 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट।
69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फेली के लिए विधुन चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफर्स के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दग दग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय OMG 2 और जोराम देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए।
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए, बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए, बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फैली के लिए विधुन चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी थ्री ऑफ अस के लिए अविनाश अरुण धावरे, बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य, बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खम्फाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड, यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वीं फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दग दग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह, बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता अपार शक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फैली के लिए विधुन ने चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी थ्री ऑफ अस के लिए अविनाश अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खम्फाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई।
फिल्मफेयर में छाई बारहवीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन, कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX, रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग, बारहवीं फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जंस कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई बारहवीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला।
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला, तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशमरंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th Fail। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन, कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX, रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग, बारहवीं फेली के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जंस कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th Fail छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला, तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशमरंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड
अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह, बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फेली के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफर्स के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दग दग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते, वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट।
इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फैली के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दग दग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय OMG 2 और जोराम देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। 2 दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग बारहवीं फैली के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, नीति गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खमफाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को।
वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वीं फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वही वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भरद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपिंदर बब्बल, आशिम कैमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय, OMG 2 और जोराम, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा, जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्मफेयर 2024 की पूरी लिस्ट। सैम बहादुर से एनिमल तक टेक्निकल कैटेगरी में इन फिल्मों का रहा दबदबा। देखिए फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 की शुरुआत 27 जनवरी को जोरदार तरीके से हो गई है। शनिवार को इस शो की मेजबानी अभिनेता पारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने की थी। दो दिवसीय अवार्ड शो में पहले दिन सिनेमेटोग्राफी, पटकथा, कॉस्ट्यूम और संपादन सहित टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की घोषणा की गई। टेक्निकल कैटेगरी में विकी कौशल की सैम बहादुर ने 3 अवार्ड जीते। वहीं शाहरुख खान की जवान ने VFX और एक्शन के लिए अवार्ड जीते। यहां जाने टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स की पूरी लिस्ट। इस बार 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। विकी की सैम बहादुर ने 3 टेक्निकल कैटेगरी में जीत हासिल की, जिसमें बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला। बेस्ट साउंड डिजाइन, कृणाल शर्मा को सैम बहादुर के लिए और सिंह सिनेमा को एनिमल के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट VFX, रेड चिलीज VFX जवान के लिए। बेस्ट एडिटिंग, 12वीं फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा और जन्स कुंवर सिंह कोहली। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, सैम बहादुर के लिए सचिन लवेलकर, निधि गंभीर और दिव्या गंभीर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, 3 ऑफ अस के लिए अविनाश, अरुण धावरे। बेस्ट कोरियोग्राफी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वाइट जुमका के लिए गणेश आचार्य। बेस्ट एक्शन जवान के लिए स्पायरो रजाटोस, एनएल अरासू, यानिक बैन, कैग ब्रैके, कैचा खम्फाकड़ी और सुनील रॉड्रिग्स को। वही मैन कैटेगरी में पॉपुलर और क्रिटिक्स अवार्ड्स की घोषणा 28 जनवरी को की गई। फिल्मफेयर में छाई 12वीं फिल्म रणबीर आलिया ने जीता बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। यहां देखें पूरी लिस्ट। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस बार करण जौहर और मनीष पोल ने शो होस्ट किया। वहीं वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसे कई सेलेब्स ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तो आइए जानते हैं इस साल किसने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता। लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का आता है। एनिमल में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वही आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर, वही इस बार फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल छाई रही। इस कल्ट फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डंकी में विकी कौशल के रोल के उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है।
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल शहबाज आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल का 69वें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वही दगदग के लिए तरुण धुदेजा को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फर्रे एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला तो वही फर्जा के लिए आदित्य रावल मी ने बेस्ट डेब्यू का मेल जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट वही इस बार डायरेक्टर डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जन वैली के लिए भूपिंदर बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल वही शिल्पा राव को बेस्ट बेशम रंग के लिए प्लेबैक सिंगर गायिका का अवार्ड मिला। बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भरद्वाज श्रेयस पुराणिक जानी भूपिंदर बब्बल आशिम कैमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय OMG 2 और जोराम देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th Fail। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह। बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा जोराम। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रही है फिल्म फेयर 2024 की पूरी लिस्ट।